हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यस, 3-2 तो आपको पता ही है कि कितना जबरदस्त कलेक्शंस कर रही है। ना कि सिर्फ कलेक्शंस, पर फिल्म जो डिजर्व करती है ना, वो उतना पा रही है। चाहे वो एक्टिंग की वजह से हो, स्टोरी की वजह से हो, एक यूनिवर्स की वजह से हो, सुपर नेचुरल यूनिवर्स की वजह से हो, किसी भी वजह से हो। पर यार, एक चीज जो मैं स्पेशल मेंशन करना चाहता हूँ, और मैंने ये वीडियो स्पेशली उसके लिए बनाया है, वो है अभिषेक बैनर्जी। भाई ये बंदा है ना, मैंने इसको फर्स्ट टाइम नोटिस किया था TVF पिक्चर्स में। उस टाइम से बाद में मैंने उसको बहुत बार देखा, दूसरे वेब सीरीज मूवीज सब में देखा, स्त्री में भी, स्त्री वन में भी देखा था, सब था। पर मेन नोटिस मैंने उसको किया था TVF पिक्चर्स फर्स्ट पार्ट से। पर तब इतना नहीं पता था कि बंदा इतना आगे तक जाएगा, सब करेगा। पर यार, स्पेशल मेंशन बनना जरूरी है, बिकॉज ये कोई आम आदमी नहीं है। ये बंदे ने अपने करियर में एक्टिंग तो की है, पर साथ में एक चीज़ और करी है जो हमें बिल्कुल भी नहीं पता, वो है कास्टिंग डायरेक्शन। ये फिल्म बहुत सारी फिल्मों के कास्टिंग कर चुके हैं, एंड इन्होंने अपना करियर भी कास्टिंग से ही शुरू किया था। अब मैं आपको फिल्म के नाम बताता हूँ जिन जिन फिल्मों के इन्होंने कास्टिंग किए थे। उसमें से एक है नो वन किल जेसिका, डर्टी पिक्चर, मिकी वायरस, गब्बर इज बैक, डियर डैड, रॉक ऑन 2, टॉयलेट एक प्रेम कथा, सीक्रेट सुपरस्टार, अज्जी, कलंक। तो इतनी फिल्म में उन्होंने कास्टिंग की, और ऐसा नहीं कि वो रुक गए। वो अपनी एक्टिंग जर्नी के साथ साथ कास्टिंग की जर्नी भी शुरू रखते थे और साथ साथ में करते रहते थे। खैर, पर मैं तो ये नहीं बात करने आया कि उनकी करियर में उन्होंने क्या क्या किया है। मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि इस एक्टर की पोटेंशियल आप देखो। स्त्री 2 के साथ रिलीज हुई थी वेदा, दोनों में उनके एकदम ही अपोजिट रोल्स, और दोनों रोल्स इतने बखूबी उन्होंने निभाए, मैं आपको क्या बताऊं। एक जगह जहां उन्होंने कॉमेडी से लोगों को हंसा हंसा के पागल कर दिया, वहीं दूसरी जगह उन्होंने एक विलन बन के लोगों के दिल में उनके लिए गुस्सा भी पैदा करवा दिया। असली कास्टिंग डायरेक्टर भी वही हो सकता है जो कोई एक्टर को या कोई कैरेक्टर को समझ पाए, और वो देख पाए उसमें कि ये इस चीज में ढल जाएगा या नहीं, इस कैरेक्टर में वो ढलेगा या नहीं ढलेगा। तो अभिषेक बैनर्जी मेरे लिए वो एक सेट एग्जाम्पल है जिसने ऐसा करके दिखाया जो शायद आज के टाइम पे बहुत कम एक्टर्स हैं जो कर सकते हैं। आई जस्ट होप कि वो आगे और जो भी फिल्म करे उसमें ऐसे ही वर्सेटैलिटी दिखाए और हमें अचंभित करे। इसके साथ साथ मैं एक और चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि इतने अव्वल दर्जे का एक परफॉर्मर होने के बावजूद इस बंदे को सिर्फ एक अवार्ड मिला है, वो भी फिल्म फेयर OTT में। उनकी कोई एक फिल्म थी, वेडिंग रिलेटेड कोई फिल्म थी, द ग्रेट वेडिंग ऑफ मुन्नेस मुन्स, ऐसा कुछ नाम था। तो उसमें उनको मिला, स्त्री में उनको बेस्ट एक्टर कॉमेडी का रोल का उनका नॉमिनेशन था, पर उनको नहीं अवार्ड मिला। और भी दो तीन दूसरे दूसरे वेब सीरीज पाताल लोक के लिए भी उनको नॉमिनेट किया था शायद से, पर उनको उसमें भी अवार्ड नहीं मिला। बट आई एम श्योर स्त्री 2 में इनको जरूर बेस्ट एक्टर इन अ कॉमेडी रोल का अवार्ड हर एक जगह से मिलेगा, चाहे वो फिल्म फेयर हो जाए, आईफा हो जाए, या कोई भी अवार्ड हो जाए। आई एम डेफिनेटली श्योर एंड आई एम रियली हैप्पी कि मतलब ऐसे कलाकार हमारे इंडस्ट्री में हैं और इनको देख के अलग ही मजा आता है। मतलब आप ये तो छोड़ो, अभी इसके पहले उन्होंने एक अपूर्व करके मूवी करी थी जो आई थिंक हॉटस्टार या अमेजोन पे है, जिसमें तारा सुतारिया भी है। उसमें भी वो एक बहुत ही नेगेटिव शेड में दिख रहे हैं, वो भी बहुत जबरदस्त उन्होंने किया। मिर्जापुर में कंपाउंडर का रोल हो जाए, पाताल लोक हो जाए, कोई भी आप देख लो, इनफैक्ट आप राणा नायडू देख लो, उसमें भी उनका रोल कितना इंटरेस्टिंग है, कितना अलग है। मतलब हर एक जगह पर वो सेट हो जाते हैं और मजा आता है उनको देखना। तो स्पेशल मेंशन अभिषेक बैनर्जी के लिए, हमारे कोलकाता बॉय के लिए। बाकी आपको क्या लगता है स्त्री 2 में उनका रोल आपको कैसा लगा? मेरे लिए तो आफ्टर राजकुमार राव अभिषेक बैनर्जी वॉज द बेस्ट कास्टिंग, मतलब मेरे लिए तो बेस्ट एक्टिंग थी। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, बाकी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो हो सके कर देना। टिल देन, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।